सर, सबसे पहले बहुत बधाई, इतना खूबसूरत ट्रेलर था, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से थॉट आया ये नाम रखने का, गुलाब जाम नाम रखने का? हाँ। गुलाब जाम नाम रखने का थॉट आया क्योंकि मुझे महाराष्ट्रियन खाने पे फिल्म बनानी थी और मैं बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों की जो दूसरे के लिए खाना बनाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ घर के खाने की। मुझे अपने मराठी जो फूड कल्चर है, अब हमारा जो खाना है, उसको सेलिब्रेट करने वाली एक फिल्म बनाने का दिल में बहुत था। तो गुलाब जाम इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन को मराठी में गुलाब जाम कहते हैं, इसलिए ये नाम रखा। तो पहले से कैरेक्टर सेट थे माइंड में, कोई लेना है सिद्धार्थ जी और सोनाली जी को लेना है? हाँ, कास्टिंग के बारे में ख्याल पक्का था क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे कुक हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छे कुक है, उनका कुकिंग पे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने डिसाइड किया था कि मैं उन दोनों को लूँगा। पर अच्छी बात यह है कि उन दोनों ने हाँ कह दी क्योंकि वो बहुत बिजी एक्टर्स हैं दोनों। खाने के ऊपर पहले भी हमारे मराठी में बहुत पिक्चर आई, फूड फिल्म पहली आ रही है। अच्छा, फूड फिल्म पहली है, पहली आ रही है। किस तरह से अलग होगी ये फूड फिल्म, पहली फूड फिल्म, कितना है एक्साइटमेंट की? मुझे लगता है कि हर एक स्टेट में फूड फिल्म बननी चाहिए क्योंकि हमारा जो खाना है, हम वो है जो हम खाते हैं, और मुझे बहुत नाज है हमारे खाने पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर से बाहर रहता हूँ और कई महीनों बाद कुछ ऐसा मौका आता है कि घर में मैं मराठी खाना पका के खा लेता हूँ, तब बहुत सुकून मिलता है। तो ये अनुभव जिनको आता है, उन सब के लिए ये हमारी फिल्म है। बल्कि फिल्म मराठी में है, इसलिए ये नहीं कि सिर्फ मराठी लोग देखें, ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ सभी जगह रिलीज़ हो रही है, तो ये सबके लिए है। अच्छा, आपके कौन सी फेवरेट डिश है इस मूवी में? आपने खाने को दो किरदार के साथ आपने खाने को भी एक किरदार दिया है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में कैसे आया ये किरदार? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी महक नहीं आती। अगर मैं खाने पे प्यार से काम नहीं करता, शॉट्स पे या उसके प्रेजेंटेशन पे, तो उस खाने की जो महक है वो कैमरे से नहीं आती। और मेरा वो चैलेंज था खुद के लिए कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिस के वो देखने के बाद लोगों को भूख लगे और वो जब देखते रहें तो देखते हुए उनको खाने की महक आ जाए। तो ये हो रहा है, इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसीलिए द फूड इज़ द थर्ड कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। आपकी कौन सी फेवरेट डिश है? मेरी फेवरेट डिश मराठी, आपको पता होगा, मोदक सबसे बड़ी फेवरेट डिश है। अच्छा, कहाँ का खाना आपको अच्छा लगता है पूरे हिंदुस्तान में, कहाँ का खाना पसंद करते? मुझे मराठी खाना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत घूमता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। मुझे केरला का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं वहाँ पर। मैं साउथ इंडिया में बहुत घूमता हूँ और रहता हूँ, तो मलयाली खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पसंद करता हूँ मराठी खाना और मलयाली खाना। सर, अगर हम बात करें मराठी फिल्मों, हाँ, तो बॉलीवुड फिल्म और मराठी फिल्म में भी बहुत आ गई, काफ़ी पिक्चर जी, इस महीने में दो ही पिक्चर रिलीज हो रही है, एक तो 9 तारीख को जी, उसके बाद तो नाना पाटेकर साहब की भी मराठी फिल्म है जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो 9 तारीख में पिक्चर आ रही है, क्योंकि साथ साथ में उनके साथ में और एक पिक्चर रिलीज हो रही है बैठना जी, दोनों के लिए क्या कहना चाहिए अलग अलग? मुझे लगता है अपने जो भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनकी फिल्मों की भूख बहुत बड़ी है, उनका एक फिल्म से काम नहीं चलता। आप अगर सोचे कि अगर ऐसा हो कि महीने में एक ही पिक्चर चली है, एक ही पिक्चर आ गई, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हम लोग जितना खाने पे प्यार करते हैं, उतना ही हमारा फिल्मों पे प्यार है, हमारा क्रिकेट पे भी प्यार है। तो मुझे लगता है थिएटर्स में और हमारे दिल में एक से ज़्यादा फिल्मों के लिए जगह है और वो फिल्में आनी चाहिए एक साथ, क्योंकि हर एक फिल्म का फ्लेवर अलग रहता है और हर एक फिल्म जो आ रही है इस महीने, हर एक का फ्लेवर अलग है। गुलाब जाम का फ्लेवर अलग है, जो मराठी दूसरी फिल्म आ रही है उसका फ्लेवर अलग है, पैडमैन का फ्लेवर अलग है। तो अलग अलग फ्लेवर्स की फिल्में आ रही है, ये जैसे खाने का बुफे होता है, इतना खूबसूरत बुफे है, सबने इंजॉय करना चाहिए। सर, कास्टिंग की बात करें या शूट की बात करें, तो कितने दिन में फिल्म बनी और स्टार्ट हुई थी और कितने दिन में? हमने करीब एक डेढ़ महीने से कम, हमने 1 महीना और 10 दिन में फिल्म का शूटिंग ख़त्म किया। हमने मई महीने में फिल्म शूट की और अब हम लेके आ रहे हैं, तो बहुत, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम हो गया, एक साल में। ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू।